Good morning, students. Myself, Umesh Kumar. I am teaching you science in the Sant Kripal School. और संत कृपाल स्कूल के तरफ से ऑनलाइन चैनल में आपका आप सभी का स्वागत है. मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था. लाइट चैप्टर फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. यू कैन से दैट इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर इन द फिजिक्स एज वेल एज द कम्प्लीट साइंस. यू कैन से दैट आप अगर 12 चैप्टर अगर कम्प्लीटली कर लेते हो तो आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी. 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री और 4 बायो. इस तरीके से मैंने सबसे पहले इसी क्रम में स्टार्ट किया था. मैंने फिजिक्स का एक चैप्टर बड़ा इजी और समझने लायक है, क्योंकि ये चैप्टर समझने वाला है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था. और अगर आप साइंस में अच्छा पकड़ बनाना चाहते हो और अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो मैथ्स सॉरी फिजिक्स में जो ये लाइट चैप्टर है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और फिर वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो और उसको मतलब डन कर सकते हो. तो इसलिए आप इस चैप्टर को समझो. लाइट चैप्टर में अपना लास्ट टॉपिक जो था वो था आपका टाइप्स ऑफ रेज, जिसमें मैंने कन्वर्जेंट रेज, डाइवर्जेंट रेज और बीम के पैरेलल रेज के बारे में बताया था. रेज, अ बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम. और बीम जो है वो 3 टाइप का होता है. कन्वर्जेंट, जो एक पॉइंट पे आगे चल करके जब नंबर ऑफ रेज मिलती हैं तो कन्वर्जेंट बीम कहलाती है. डाइवर्जेंट क्या है, एक सोर्स से निकल करके आगे चल करके फैलती है उसको. इफ द रेज, इफ द बंडल ऑफ रेज आर इमिटिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडेड फॉरवर्ड, आगे चल करके वो फैल जाती है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम कहते हैं. पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स टू द फर्दर. तो मतलब जहाँ सोर्स से निकला है वन तक पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंट है तो वो पैरेलल बीम कहलाता है. उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो साइंस का मेन टॉपिक है और आपके चैप्टर और आपके मतलब सिलेबस का मेन चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आना प्रारंभ हो जाएंगे. क्योंकि इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो सिर्फ था बेसिक फिजिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द लाइट और बेसिक हिस्ट्री ऑफ द लाइट. अब जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको मैं बताऊँगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन पढ़ाना चाह रहा हूँ. रिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तन. क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं. परावर्तन मतलब टकरा करके वापस आ जाना, जैसा नाम है वैसे आप समझ रहे होंगे. इसका मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलती है और निकलने के बाद सामने वाले हिंड्रेंस मतलब बाधा मतलब कोई सरफेस, वो सरफेस से टकराने के बाद जब वापस लौट जाती है उसी मीडियम में, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है. तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में जैसा उसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तो जो वापस आ जाना कहलाता है उसको कहते हैं बाउंसिंग बैक. तो द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज फ्रॉम रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है बाउंसिंग बैक, यहाँ पर एक फ्रेज है. बाउंसिंग बैक का मतलब होता है वापस आना. तो जो कोई भी रे सोर्स से निकलने के बाद वो हिंड्रेंस पे टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो भी डायग्राम इसको आप समझ सकते हो कि कोई भी एक सरफेस है. अब वो सरफेस किस टाइप का है, रफ है, स्मूथ है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. उसके रफ पर कितने टाइप्स है, फिलहाल के लिए मैं समझने के लिए समझ ले लूँ एग्जांपल के लिए कि आप ये स्मूथ सरफेस है और कोई भी रे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद ये बाउंस्ड बैक हो जाती है. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद ये रे वापस चली गई, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे.
ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब देखो सरफेस पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सरफेस पे क्या डिपेंड करता है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जिसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन अब एक बात बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से आप क्या समझेंगे? ये कब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक प्लेन, जब एक स्मूथ प्लेन हो तब उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो सभी इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सभी इंसिडेंट रेज एक फिक्स डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएंगे। तो जब सभी इंसिडेंट रेज एक फिक्स डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएंगे तो वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। या तभी हो सकता है जब सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लो कि व्हेन ईच एंड एवरी रेज फॉलिंग ऑन द सरफेस Each and every rays falling on the surface bounces back into the same direction. You can say the fixed direction is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल के लिए इसका डायग्राम से आप समझ लो। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब एक सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है। अब जब प्लेन सरफेस होगा तो जितनी भी रेज आएंगे बेटा वो यूं भी पहली आई यूं चली गई, दूसरी रेज आई वो भी उसी डायरेक्शन, तीसरी रेज आई, आप देख रहे हो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही है एक ही डायरेक्शन में। अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये एग्जांपल है फिगर ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर नाम से पता चल सकता है जो समान नहीं है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल समान नहीं है, मतलब कहीं ठीक है कहीं थीन है, कहीं ठीक है कहीं थीन है, इस टाइप का मतलब डिफरेंस है सरफेस में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बिल्कुल भी एक समान नहीं है। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि जो इंसिडेंट रेज है वो किसी भी एंगल से रिफ्लेक्ट हो सकती है। जैसे मान लो पहला रे आई और यहाँ से टकराने के बाद यूँ चली गई, दूसरा ऐसे भी आ सकती है यूँ आई और टकराने के बाद यूँ चली गई, तीसरी यूँ चली गई। तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है बेटा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये फिगर ऑफ द इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन नोट कर लो।
इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट occurs from the irregular surface, or rough surface, which causes bouncing back rays in different directions. Different direction is called irregular or diffused reflection. Diffused reflection. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को अब तक जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द रेस आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसके दो टाइप हैं, पहला तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसे कहते हैं जिसमें सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है और सभी के सभी इंसिडेंट रेज एक फिक्स्ड पैटर्न में एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है ना। और उसके बाद आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रफ है और वो किसी भी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रही है, तो उस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से मैंने आपको लाइट का टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया। इसके बाद आगे क्लासेस में मैं आपको क्लास लूंगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जिसमें मैं बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने के बाद मैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। तो सभी क्लासेज लगातार होगी। अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है तो आप जरूर कमेंट में बताना, मैं उसको अगले क्लास में वापस डील कर दूंगा। ओके, थैंक यू।